बुंदेलखंड में पानी का भीषण संकट है। गर्मी के दिनों में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व बांदा के जिलाधिकारी हीरा लाल ने एक मुहिम की शुरुआत की और जल संरक्षण के लिए पुराने कुएं तालाबों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया, जिसे नाम दिया गया कुआं तालाब जियाओ अभियान। जनपद के सभी गांवों में पुराने कुओं की सफाई व तालाबों का गहरीकरण कर कार्य कराया गया। साथ ही लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने गांव-गांव जाकर जल चौपाल सहित कई जन जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। बांदा के जिलाधिकारी हीरा लाल ने सबसे पहले कुआं तालाब जियाओ अभियान के तहत जनपद के सभी 471 ग्राम पंचायतों के पुराने कुएं और तालाबों को चिन्हित कर उनकी सफाई और खुदाई का काम कराया, जिससे उनमें जल संरक्षित किया जा सके। पुराने जमाने में जब हमारे पास नल और नलकूप नहीं होता था, तब हम लोग पानी कैसे पीते थे? कुआं, तालाब और नदी, ये हमारे तीन मुख्य नेचुरल साधन और साध्य पानी के हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग इन तीनों पानी के जो रिजर्वायर थे, गोल्ड माइन था पानी का, इससे कट करके हम लोग नल और नलकूप की तरफ आ गए और हमारे सामने पानी की समस्या बढ़ती गई। तो इस बुंदेलखंड के इस बांदा जिले में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की है, और सभी लोग जानते हैं, सभी परिचित हैं। यहाँ 7200 से ज्यादा अच्छे अच्छे कुएं हैं, चारों तरफ तालाब है, नदियां हैं, केन है, यमुना है, बागे है, लेकिन लोगों का रिश्ता इनसे टूट गया था। हमने कुछ नहीं किया और हमने केवल यहाँ के जनता को ये कहा और उनको कन्विंस किया डिफरेंट तरीके से कि भाई जो हमारा पुराना रिश्ता है कुआं, तालाब और नदी से, उससे पुनः जोड़ा जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक योजना की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार इस योजना में तेजी ला रही है। केन बेतवा लिंक वरदान सिद्ध होगा हमारे बुंदेलखंड के लिए और भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी सहमति दे दी है। बहुत जल्दी केन बेतवा लिंक का हमारा कार्य शुरू होगा, उसको जल्दी से पूरा करेंगे। हमारे बुंदेलखंड को उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, सिंचाई के लिए भी, पीने के पानी के लिए और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो पानी की आवश्यकता है उससे भी हम उसकी भरपाई कर पाएंगे। बांदा में सूखे कुएं तालाबों में अब पानी दिखाई दे रहा है और कुआं तालाब जियाओ अभियान आज पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है और इसके लिए जिलाधिकारी को हाल ही में मिले जल प्रहरी सम्मान सहित कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस पूरे अभियान में जिला प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।